cross cultural psychology let's move on to nature and scope of cross cultural psychology we discussed the definitions of cross cultural psychology and culture so culture is a mental programming of individuals and groups in the system where they live and the lives they lead as a collective collection which means as a group so, cross cultural psychologists would hardly disagree with the definition that what is psychology? It is the scientific study of human thoughts, mind, and behavior. Since it is the systematic study of human mind and behavior, there are certain goals that scientific psychology sets. So, in every real sense, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इज नॉट अ सेपरेट और फ्रैक्शन ब्रांच और फील्ड अन टू इट सेल्फ यानी वो खुद से कोई अलग फील्ड नहीं है बल्कि वो एक अप्रोच है एक मैथोडोलॉजिकल अप्रोच है जिस तरह एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है फिजिओलाजिकल अप्रोच है क्लिनिकल अप्रोच है क्वान्टिटेटिव या क्वालिटेटिव अप्रोच है सो दिस इज हाउ मोस्ट साइकोलॉजिस्ट वुड लुक एट क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कि इसके गोल्स क्या है इसके गोल्स ह्यूमन बिहेवियर को समझना है उस सेटअप में जिसमें लोग रहते हैं अब जो इसकी ख़ास नेचर है इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि हम वो सारे चैलेंजेज देखें जो कि मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकल रहे हैं मसलन प्रॉब्लम ऑफ एक्बुलेंस इक्वलेंस होता है कि जो हम दोनों कल्चर्स को स्टडी कर रहे हैं वो जिन कॉन्सेप्ट्स को कर रहे हैं क्योंकि कल्चर पूरे को तो नहीं हम उसमें से कोई बिहेवियर उठाते हैं अब वो बिहेवियर जो है वो कंसेप्चुअली दोनों जगह एक ही जैसा समझा जाता है जैसे काइंडनेस हेल्पिंग बिहेवियर एग्रेशन फैमिली सिस्टम वहाँ फैमिली सिस्टम से क्या मुराद है क्या कंसेपच्चुअली उस कल्चर में उसको वही समझा जा रहा है जिस तरह हम समझ रहे हैं और जिन दो कल्चर्स को कंपेयर कर रहे हैं वो कंसेपच्चुअली भी सिमिलर है फिर लिंग्विस्टिकली सिमिलर है उस लफ्ज का मतलब क्या होता है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी की रिसर्च में है कि किसी ट्राइब में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करने गया ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं तो उसको उनकी ज़बान में पता चला गुस्से के लिए कोई लफ्स ही नहीं है तो उसने उसको कहा कि तुम्हारी ये जो किश्ती है इसको मैं तोड़ दूँ या बग़ैर पूछे ले जाऊँ और तुम ऐसे ऐसे करो तो उसको क्या कहते हैं तो वो हंस पड़े और उन्होंने कहा चाइल्डिश विच मीन्स लिंग्विस्टिकली ऐसा उबाल आना गुस्से वाला उनके कल्चर में उसके लिए जो लफ्स था वो था चाइल्डिश सो so, हमें ज़बान को भी देखना होता है और फिर मीट्रिक एक्वलेंस ये होती है कि जिस तरह हम मेजर कर रहे हैं स्केल दे रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दोनों तरफ एक ही तरह बराबर समझा जा रहा है फिर बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सैम्पलिंग से रिलेटेड हैं कौन से लोग लेने हैं उसके लिए बड़ी क्रिएटिव सोलूशंस करनी पड़ती हैं बहुत बड़ा पाकिस्तान है बहुत बड़ा अमेरिका है बहुत बड़ा बांग्लादेश है अरब कल्चर है तो उसमें से उस एक अरब मुल्क में से क्योंकि वो एक दूसरे से भी मुख्तलिफ हैं कौन से लोग लेने हैं और फिर उन लोगों को सिलेक्ट कैसे करना है उनके मुख्तलिफ़ शहरों इदारों या क्लास या उम्र इन सब चीज़ों के हिसाब से तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोच के क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जो है वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है क्योंकि करनी तो है कल्चर्स पर रिसर्च तो जो बहुत नफीस बहुत स्विस्टिकेटेड रिसर्च डिज़ाइन होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कौन से कल्चर को स्टडी करना है और क्यों मैंने आपको मिसाल दी थी और आगे चल के भी दूंगी कि हमने पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं और जो सऊदी अरब काम करने जाते हैं गए तो इधर से ही है ना तो उनको अगर कंपेयर किया है या हमने यूके के बच्चे और पाकिस्तान के बच्चों में कर्टसी या मैनर्स या एग्रेसिव या फाइटिंग कोई चीज़ देखी है या उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नोट किया कि वो इन्वायरमेंट को कितना समझते हैं और माहौल का कितना ख्याल रखते हैं तो मैं इन दो कल्चर्स को क्यों कंपेयर कर रही हूँ यूके और पाकिस्तान पाकिस्तान और सऊदी अरब सऊदी अरब और जॉर्डन और अमेरिका सो ये भी एक सवाल होता है फिर उन कल्चर्स के अंदर कौन सी कम्यूनिटीज़ और कौन से इंडिविजुअल अफराद को स्टडी करना है और फिर प्रिसाइसली कौन से बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है कौन से बिहेवियर पे तवज्जो देनी है कि हम ये बिहेवियर देख रहे हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रैपिड डिसलोकेशन के कॉन्सिक्वेंस भी देखते हैं जैसे मैंने मिसाल दी कि माइग्रेशन हो गई है इमिग्रेशन हो गई है एक से दूसरी तरफ लोग चले गए हैं तो उसके क्या असरात हुए तो ये भी डिटर्मिन करते हैं कि क्या पर्सनलिटी मोर और लेस एक ही तरह स्ट्रक्चर्ड होती है जो पर्सनैलिटी के हिस्से हैं कुछ हिडन कुछ नॉन हिडन कुछ ट्रेड्स वो क्या तमाम कल्चर्स में एक ही तरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं सब में होते हैं तो जितना वाइड और ब्रॉड एकर कल्चरल साइकोलॉजी का डिसिप्लिन वो बहुत हैरान कौन है इट्स वेरी एस्टोनिशिंग ये जो हैट्रोजेनिटी है ना साइकोलॉजी की यानी उसका जो इतना फैलाव है उसके अंदर जो वैरायटी है ये उसको रिफ़्लेक्ट करती है तो मसला हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर में जज्बात को किस तरह इजहार किया जा रहा है कैसे कंट्रोल किया जा रहा है मसल ग़ुस्से को मोहब्बत को और जो जज्बे डिस्गस्ट को सरप्राइज़ को इसी तरह इंग्जाइटी कैसे जाहिर होती है मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों में और इसको कंट्रोल लोग कैसे करते हैं ऐज़ अ फंक्शन ऑफ़ फैमिली टाइप जॉइंट फैमिली में क्या और तरह होता है और सिंगल फैमिली में और तरह होता है और आखिर में ये कि, कि कल्चर जो है वो हमारी जो अपनी ज़ात है उसके बारे में जो तस्वूरत हैं उनको किस तरह बनाते हैं कि मैं अपने आप को क्या समझती हूँ वो मेरे कल्चर के असर से किस तरह बनती है वो चीज़ थैंक यू